हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखास किचन। आज हम बनाएंगे जमीकंद इन कर्ड ग्रेवी। जमीकंद वैसे तो कई तरह से बनता है, टमाटर प्याज की ग्रेवी में बनता है, लेकिन आज हम इसे बिल्कुल डिफरेंट वे में बनाएंगे, दही के साथ। तो इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये हमने जमीकंद लिया है, जमीकंद को हमने कट कर लिया इस शेप में, और उसके बाद हमने इसे वॉश करके अच्छी तरह से सुखा लिया है। ये हमने दही ली है, दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। प्याज, कटा हुआ प्याज लिया है फ्राई करने के लिए, जमीकंद फ्राई करने के लिए ऑयल, साबुत लाल मिर्ची, दालचीनी, लौंग, स्टार एनिस और जावित्री का एक फूल ले लिया है, 3 बड़ी इलायची और छोटी इलायची ली है। छोटी इलायची और बड़ी इलायची इनको हमने इस तरह से आगे से तोड़ दिया है। ये काली मिर्ची, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची है ये, सॉल्ट, नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, साबुत जीरा, हल्दी पाउडर और ये हमने तेज़पत्ता ले लिया है। इन सब की मेजरमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट कुकिंग विद रेखा। ये फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई में ऑयल लगा दिया है गर्म करने को। अब हम इसमें जमीकंद डाल देंगे फ्राई करने के लिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है। हम इसे फ्राई करेंगे। अब और हमें इसे लाइट सा गोल्डन ब्राउन होने देना है। बीच में हम इस तरह से इसे पलटते रहेंगे। ये हमारा जमीकंद फ्राई हो चुका है। बस हमें लाइट सा गोल्डन ब्राउन ही आने देना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो हम गैस को बंद करके इसे निकाल देंगे, इसे पेपर नैपकिन पर हम निकाल देंगे। फ्रेंड्स, जमीकंद को हमने निकाल कर साइड में कर दिया है। और अब हमने क्या किया है, ये गर्म एक पतीला लिया है, इसमें गर्म पानी ले लिया है। ये पानी बॉयल हो रहा है तो हम इसमें ये जो हमने जमीकंद लिया है फ्राई किया है, इसे हम इसमें डाल देंगे इस तरह से। इससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाएगा और ये बॉयल होकर और सॉफ्ट भी हो जाएगा, क्योंकि हमने इसकी दही की ग्रेवी में डालना है तो हमें सॉफ्ट जमीकंद चाहिए काफ़ी। तो अब हम इसे बॉयल करेंगे तब तक जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। हम हाथों से इसे चेक कर लेंगे एक बार 5-10 मिनट के बाद कि ये सॉफ्ट हुआ है या नहीं। तो अब हम इसे इसी तरह से बॉयल होने के लिए रख लेते हैं। ये फ्रेंड, जमीकंद को उबलते हुए हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं एक प्रेस करके कि बॉयल हुआ है नहीं। इसका एक हम छोटा पीस ले लेंगे। थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, बहुत गर्म है। बाकी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल प्रेस हो चुका है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से प्रेस हो जाना चाहिए हाथों से। समझिए कि ये बन चुका है। तो अब मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने जमीकंद को निकाल कर साइड में रख दिया है। ये हमने कढ़ाई लगा ली है, अब हम तड़का तैयार करेंगे। तो कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे तेज़पत्ता, साबुत लाल मिर्ची, साबुत जीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये स्टार एनिस जो हमने लिया था, जावित्री, काली मिर्ची, दालचीनी और लौंग। ये हमने सभी खड़े मसाले इसमें डाल दिए हैं। गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे ताकि ये हमारे मसाले जले नहीं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमने कटा हुआ प्याज लिया है। इसमें
इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होता है ये। और इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर। अब हमें इसे मिक्स करना है और हमें इसे तब तक भूनना है प्याज को जब तक कि ब्राउन ना हो जाए। हमें इसे ब्राउन होने तक लगातार चलाते भी रहना है बीच में। जब हमारा प्याज ब्राउन होने लगेगा तब हम कर्ड ऐड करेंगे इसमें। गैस की फ्लेम को हमने लो मीडियम पर कर दिया है। जी फ्रेंड्स, हमारा थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ हो गया था बीच में, सॉरी, ये मैंने प्याज ब्राउन हो गया था तो उसमें कर्ड ऐड करना स्टार्ट कर दिया था। बाकी बची कर्ड भी डाल देती हूँ। और हमने कर्ड ऐड करने से पहले गैस को ऑफ कर दिया था और प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें कर्ड डाली है। अब इसे हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। ये हमने मिक्स कर दिया और अब हम गैस को फिर से ऑन कर देंगे। ये हमने गैस ऑन कर दी है। और फ्रेंड्स, दही डालने के बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और गैस को हम लो मीडियम फ्लेम पर कर देंगे और दही को हम पकने देंगे और रेगुलर हम इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि दही फटे नहीं। ये फ्रेंड्स, दही में बॉयल आ चुका है हमारे, ये देखिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, और पानी हमने जो दही का बर्तन था हमारा उसी में डाल दिया है। ये हम इसमें दही वाला पानी ऐड कर देंगे। इसे रेगुलर इसी तरह से चलाते रहेंगे जब तक इसमें फिर से बॉयल नहीं आ जाता। ये फ्रेंड्स, हमारा ग्रेवी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जमीकंद। और यदि आपकी दही खट्टी है तो आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं। ये जमीकंद ऐड करने के बाद हम इसे ढक्कन लगाकर 5 से 10 मिनट के बीच, मतलब 8 से 10 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से पकने देंगे। ये फ्रेंड्स, हमने ढक्कन इसका निकाल दिया है। इसे हमने 7-8 मिनट तक पका लिया है ग्रेवी को और जमीकंद को। ये बिल्कुल रेडी है हमारा जमीकंद। इसमें हमें आगे क्या करना है, इसमें 1-2 पीस हमने ये जमीकंद के हैं ये इसमें पीस लेंगे हम इस तरह से। उससे हमारी ग्रेवी और अच्छी हो जाएगी। ज़्यादा नहीं, हमें ओनली 1-2 पीस ही पीसने हैं। ये जमीकंद तो पहले से ही सॉफ्ट है तो ये पीस लिए हमने, ईजी थी, देखिए। और ये हमारा दही वाला जमीकंद बिल्कुल रेडी है, देखिए। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। मैंने गैस ऑफ कर दी है और इसे हम सर्व करेंगे। ये फ्रेंड्स, हमारा दही जमीकंद बिल्कुल रेडी है। बहुत ही यमी बना है ये। इसे मसालों की भी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसे घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये पसंद आएगा। और यदि आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।